चलिए खड़े हो जाए, खड़े भाई, आप नहीं खड़े हुए यार, आप भाईजान मुल्तान वाले भाई खड़े हो जाए, तुम्हारी मेहरबानी। गुजरांवाला, पेशावर, पतों की, ये हजरात मीटिंग में तशरीफ लाया करें, दूसरे दूसरे शहरों के लोग आ रहे हैं, कराची वाले भी आया करें मीटिंग में, फैसलाबाद वाले भी आया करें, शेखपुरा वाले भी आया करें, पाकपतन वाले स्पेशली आया करें, चीचू की मलिया वाले भी आ जाया करें। साथ वाले के सर पे हाथ रखें और पे 97 साथ निकाल लें। एम्प्लॉई शेयर स्कीम, ये रखते क्यों नहीं आप लोग, शर्माते क्यों हैं? हाइब्रिड वाले तो वैसे ही नहीं रखते, पता नहीं क्यों, कहते हैं कि मैं तो नजर नहीं आ रहा इसलिए रखना। रखें जरा सारे हाइब्रिड वाले साथ लेके सर पे हाथ, शुक्रिया। एम्प्लॉई शेयर स्कीम, एम्प्लॉई शेयर स्कीम में ऐसा होगा भाई, आप चले उधर जाओ, एम्प्लॉई शेयर स्कीम में ऐसा होगा कि कंपनी अपने एम्प्लॉई को शेयर इशू करेगी। एम्प्लॉई शेयर स्कीम मीन्स एन एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी में इशू शेयर इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको बताया था पीटीसीएल और यूफोन वाले एसोसिएट हैं, क्योंकि पीटीसीएल ने यूफोन के अच्छे खासे शेयर खरीदे हुए हैं, तो पीटीसीएल अपने एम्प्लॉय को भी शेयर दे सकती है और पीटीसीएल ही यूफोन के एम्प्लॉय को भी शेयर दे सकती है। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉय शेयर स्कीम। तो क्या एम्प्लॉय शेयर स्कीम में कंपनी सिर्फ अपने शेयर अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे सकती है या अपनी जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को भी शेयर दे सकती है? भाई अगर इधर हो जाओ आप लोग, एक बंदे की जगह बना दो, बंदा आया, एक बंदा बैठ गया, जगह फिर भी बना दो, शुक्रिया, जगह बना दो सर, जगह बना दो, दिल में जगह हो फिर भी बनानी पड़ती है। तो क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करे या अपनी जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉयज को भी शेयर इशू कर सकती है? नेक्स्ट, कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी एम्प्लॉय को जब शेयर इशू करे तो एम्प्लॉय को डर होता है कि कंपनी मेरे पैसे लेके भाग जाएगी, तो ऐसी सूरत में एक बंदे को बीच में चला जाता है जिसे कहा जाता है ट्रस्टी। तो फिर पहले पीटीसीएल ट्रस्टी को शेयर इशू करेगा और फिर ट्रस्टी एम्प्लॉय को, ये दोनों के एतमाद का बंदा होगा। मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक साहब, दोनों के एतमाद का बंदा, पीटीसीएल ये शेयर्स पहले ट्रस्टी को ट्रांसफर करेगी, ट्रस्टी ये शेयर्स किसको ट्रांसफर करेगा? एम्प्लॉय को। नोट कर लें, पहले वाला देखना। अब लोग बाद वाला नोट करें, आप पहले वाला। कितने लोगों ने पीटीसीएल वाला नोट कर लिया? बस नजर पड़ गई थी तो ठीक है, काफी, अब क्या मेरा दिखाना तो जरूरी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी तेज रखा करें, कोई मसला तो क्लास के बाद चेक करवाएं, मुझे नहीं। अजय भाई तशरीफ ले आए, मरहबा, आपका आना मुबारक हो। क्यों पकड़ गए उसे, जाने दो आगे। ना ना नहीं, अच्छा भाई जान, हाइब्रिड में आ रहे हैं आप, चपे हमारे बंदा लेट आने के बाद, इतना है मेरे पास, चले चले बैठ बैठ, आप हमारे लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप हम कैसे आप कुछ पेड़ मार सकते हैं? कल कॉलेज के बाहर ना एक बंदा खड़ा होगा, आपसे पूछेगा टेक्स्ट का टेस्ट देके जा रहे हो, आप कहेंगे नहीं। एक दो बुद्ध वेडनेस ऐसे होना, तो अगले वेडनेस सारे सेट हुए हो, नहीं एक ही मारेगा चपेट, एक ही मारेगा ताकि घर में पता चले मुंह लाल है, तो दोनों तरफ से अगर उन्होंने समझा वैसे ही जरा सुर हुआ बच्चा, गर्मी लगी है। टेस्ट का सिलेबस बरकत के लिए दोबारा बता देता हूँ वैसे, लेकिन इनका हम सैलरी जो कल तक पढ़ा था और चैप्टर 16 और न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, 16 करवा दिया था क्योंकि याद आपने 16 किया था ना वीकेंड पे, कल मैंने 16 कहा था, हाथ खड़ा करें याद, कल मैंने 16 कहा था और मैंने वीकेंड के ऊपर भी 16 याद करने को दिया था, 5वां यानी 16 का आपको याद है। अच्छा, 16वें को ना वोट को, 16वें को इज्जत दें। अच्छा, अब ऐसी सूरत में क्या होगा, पहले कंपनी किसको शेयर इशू करेगी? किसको? पर्सन को, नहीं ट्रस्टी को, फिर ट्रस्टी किसको शेयर इशू करेगा? एम्प्लॉय को। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो जरा दिखेगा भाई, इसको 16 पे कराओ यार, सर को गर्मी लगे। कंपनी मे इशू शेयर्स टू द ट्रस्टी एंड द ट्रस्टी मे ट्रांसफर द शेयर्स टू एम्प्लॉय। असल में इस बात को आपने डबल अंडरलाइन करना है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो यहां से आपको ये बात मेरी समझ आ जाएगी। कंपनी मे इशू शेयर्स टू द ट्रस्टी एंड द ट्रस्टी मे ट्रांसफर द शेयर्स टू एन एम्प्लॉय, और फिर ट्रस्टी किसको ट्रांसफर करेगा शेयर्स? एम्प्लॉय को। नाश्ता करके आयो, 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 नाश्ता करके, क्यों जोन करते हो पूरा दिन, आपने इंजन चलाना होता है अपना और नाश्ता नहीं करके आते,
रात को कर लेते हैं सोने से पहले, तैयार भी हो जाते हैं, तैयार होकर सोते हैं। आपको इससे क्या बाल हैं, जिस मर्जी बच्चे से जो मर्जी सलूक करें, आपको क्या बराबर। मैं कुछ पर्चियां डाल के लाया हूँ वैसे जेब में, हो सकता है मैं कुछ सवाल पूछूँ तो फिर ये पर्ची बांटूंगा। इट इज़ द राइट टू बाय समोसा फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पर्चियां हैं आपसे मैंने पूछा तो ये कुछ पर्चियां हैं, हो सकता है आप लोगों को बांटी जाए। अच्छा भाई शुक्रिया भाई, आप तशरीफ ले आए, शुरू करते हैं अब हम क्लास। शुक्रिया। अच्छा जी कल तक जो हमारी डिस्कशन थी उस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। कम ऑन पेज नंबर 102, कम ऑन गाय, कम ऑन गाय, कम ऑन गाय, हर गाय पेज 102 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एक कंपनी ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की है, राइट देना मुझे राइट पढ़ो। अबू ने कहा बेटा जूती लाना, अबू वो पड़ी हुई है। यार ये क्या लोग आ रहे हैं, बताया कि इस कोने वाले भाई को कहता जाओ जाके पकड़ाओ, ये ला चल रहे हैं आजकल। चलो आप लोगों के साथ क्या होगा, आपकी लादें क्या करेंगे आप लोग अगर ये शुरू कर दिया। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मिस्टर उमर इज एन एम्प्लॉय हु बॉट द राइट टू परचेज शेयर्स ऑन 25 जून 2013। तो 25 जून 2013 को मेरे पास क्या आया, प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है मैंने या शेयर खरीदे हैं? प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है बाय पेइंग रुपीज 5000। प्री रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया 5000 रुपया देके। ही एक्सरसाइज द राइट टू परचेज 3000 शेयर्स ऑन 31 अगस्त 2013 एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज 120। मैंने एक्सरसाइज किया है राइट ऑन 31 अगस्त 2013। 31 अगस्त 2013 को मैंने कंपनी को जाके राइट जमा करवाया और राइट जमा करवाकर मैंने क्या ले लिया, शेयर ले लिया। क्या जमा करवाया, राइट। क्या ले लिया, शेयर ले लिया। ही एक्सरसाइज द राइट ऑन 31 अगस्त 2013 एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज 120 पर शेयर। एक्सरसाइज प्राइस मतलब है कॉस्ट ऑफ शेयर, यानी आपने कितने पैसे दिए। लिखते तो मैं बुक पे आके आपकी, सर अगर आपकी आराम से बता दिया करेंगे लिख लो तो भी शायद हम लिख लें, लेकिन यानी हर बात पे अब करनी होती है तो पहले बता दें फिर। एक्सरसाइज प्राइस से मिला दे कॉस्ट ऑफ शेयर, अच्छा जी 2013, 2014, 2015, 2016। उमर एन एम्प्लॉय इवेंट्स को हाईलाइट करना है। उमर एन एम्प्लॉय बॉट द राइट, क्या बाय किया, किस दिन? 25 जून 2013। 25 जून 2013 को इसके पास क्या है, कागज का टुकड़ा, प्री रजिस्ट्रेशन है, ये कंपनी का मालिक बन सकता है, अभी बना नहीं। ही एक्सरसाइज द राइट ऑन 31 अगस्त 2013। 31 अगस्त 2013 को इसने ये राइट क्या कर लिया, 31 अगस्त 2013 यही बनेगा ना, ये कौन सी तारीख है, 30 जून 2013। 31 अगस्त 2013 फौरन जुलाई अगस्त में आ जाएगा। ही एक्सरसाइज द राइट ऑन 31 अगस्त 2013 एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 120 पर शेयर, उसने एक्सरसाइज कर लिया राइट। अब इसके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू स्कीम, स्कीम के मुताबिक ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स, उसको शेयर ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है। ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक उसको शेयर ट्रांसफर करने की इजाजत ना है। 1 साल, 2 साल, 2 साल तक उसको शेयर ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है, यहां तक वो शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। तो इस दिन हमने क्या परचेज किया, राइट। इस दिन हमने राइट एक्सरसाइज करके परचेज किए शेयर्स, लेकिन शेयर्स पे क्या लगी हुई है, ये कॉन्सेप्ट कल नहीं पड़ा था, शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब एक फिक्रा बोलें, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, रेड बैग वाला बंदो बोले, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, ये उंगली टचो भी साथ लगे नाक को, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। अच्छा इस दिन क्या हो गई, रिस्ट्रिक्शन लगी या खत्म हुई, किस दिन रिस्ट्रिक्शन लगे, इस दिन रिस्ट्रिक्शन लगी और इस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। अब आप मुझे बताएं कि जिस वक्त मैंने राइट खरीदे होंगे तो इतना अरसा मेरी जेब में क्या रहे, राइट राइट राइट, यहां तक मेरी जेब में क्या रहे, राइट। अब मैंने राइट जमा करवा दिया कंपनी को और राइट जमा करवा के यहां क्या खरीद लिए, शेयर्स, लेकिन वो शेयर्स मैं अंदर वाली जेब में रखूंगा, वो शेयर्स मैं क्या करूंगा, अंदर वाली जेब में रखूंगा। हाँ हल्के फुल्के मैंने देखने के लिए रखे हैं ताकि कोई गायब ना कर दे, उन शेयर्स को मैं अंदर वाली जेब में रखूंगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग इन अंदर वाली जेब, वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सके, और कभी कभी चाती मारने के लिए, वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सके, फिर अंदर रख लिया करूंगा, फिर इस दिन खड़े होकर ऐसी लंग बन के वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके और उसको अंदर रख लिया करूंगा। अब ये शेयर्स अंदर वाली जेब में होंगे, कब तक ये शेयर अंदर वाली जेब में रहेंगे, 2 साल तक, और 2 साल बाद में शेयर बेचूंगा या अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में क्या करूंगा बोले,
अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, अंदर वाली, तो अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब के अंदर मैं शेयर ले आऊंगा। किस दिन? जिस दिन बोले क्या हुई, रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई, फाइनल वर्जन आने लगा। आ जाओ बैठो, मैं पेश करता हूं जी। इसी जेब में क्या साइड ऑफ एनीथिंग, व्हाट यू डूइंग गाइस? टचेबल फ्रॉम शोल्डर एज वेल। अच्छा जी, इसी में जेब में क्या है? राइट राइट राइट। अब मैं क्या करूंगा, राइट एक्सरसाइज करूंगा और अब मेरी जेब में क्या आ जाएंगे? शेयर्स। कौन सी जेब में? क्योंकि शेयर्स पे क्या लगी हुई है, कभी कभी दिल चाहेगा तो चाती मार के शेयर ही क्या जो, शेयर ही क्या जो, और चलते 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 मुझे जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करेगी कि शेयर्स के बेचूंगा नहीं, लेकिन बेचने पे क्या रिमूव हो जाएगी। तो फिर मैं शेयर्स को अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, अंदर वाली जेब में, तो बाहर वाली जेब में लाके रख लूंगा। इससे रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? रिलीज हो गई। अब आप मुझे बताएं, कल की क्लास में जब मुझे शेयर मिले थे तो मैंने उसी वक्त सैलरी इनकम में डाल दिया था, याद होगा आपको कल वाली क्लास में। सबसे पहला सवाल, पहला सवाल, जैसे मुझे शेयर परचेस किए थे मैंने कहा था शेयर्स का मिलना सैलरी में डाल दें और बिकना फिर कभी देखेंगे। मिलना सैलरी में डाला था, याद आ रहा है किसी को? शेयर्स का मिलना कहां डाला था? सैलरी में। शेयर्स का मिलना सैलरी में डाला था, लेकिन इधर हम शेयर्स का मिलना सैलरी में डाल सकते क्योंकि वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। तो बोले व्हेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। दोनों हाथ ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, घर में किया था जो मैंने करने को कहा था चीजें, शेयर ये वो राइट, बोरिंग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बोले वेयर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, Nothing will be added in salary until the restriction is released. थोड़ा सी मुस्कुराहट लाए चेहरे पे। Until the restriction is released, and when the restriction is released, the salary shall include fair market value of shares on the date restriction is released minus amount paid by employee to employer. करके करना शुरू करें सवाल। रशीद आज अजीब बातें हो रही हैं, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, कल तो ऐसी बातें नहीं हो रही थी। रशीद ने कहा मैं केड़ा कलाया सी। अच्छा जी डेट बताएं, नौ मई बोंगी। राइट किस दिन बाई की है? 25 जून 2013। साल कौन सा? 13। टैक्स ईयर 2013। क्या परचेज किया? इवेंट का नाम बताएं, किस दिन, क्या करें? मक्की मारें, मक्की मारें, कुछ भी नहीं करना। 25 जून 2013 को मेरी जेब में सिर्फ क्या है? प्री रजिस्ट्रेशन, बस। नेक्स्ट 31 अगस्त 2013, कौन सा साल बनेगा? एक्स या 23। 31 अगस्त 2013, यकम जुलाई 2013 से भाई जान होश के नाखून ले लें, राइट की जगह राइट बोलने, शेयर की जगह शेयर बोलने, टैक्सी आपने सही बोलने, वरना इधर से आएगा जूता। ही एक्सरसाइज द राइट टू परचेज 3,000 शेयर्स ऑन 31 अगस्त 2013 एट कॉस्ट ऑफ 120 पर शेयर। तो उसने राइट क्या कर लिया बोले? एक्सरसाइज कर लिया, राइट परचेज कर लिया। कल लोग उसने राइट क्या कर लिए? एक्सरसाइज। और शेयर क्या कर लिए? परचेज शेयर कर लिए। अब मुझे बताएं, शेयर परचेज जब कर लिया इसने तो कैसी सूरत के अंदर, इन शेयर्स को मैं बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता? तो जब नहीं बेच सकता तो इन शेयर्स को हमने कहां डाल लिया? अंदर वाली जेब में। लेकिन राइट को निकाल देंगे क्योंकि राइट इसने क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया। ही एक्सरसाइज द राइट, उसने एक्सरसाइज किया राइट को, यानी राइट को एक्सरसाइज किया, और राइट को एक्सरसाइज करके उसने 3,000 शेयर क्या कर लिए? परचेज कर लिए। लेकिन उनके ऊपर क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन। तो अब नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, सैलरी में भी कुछ ऐड ना करें। टैक्स ईयर 2014, राइट एक्सरसाइज करके इसने परचेज किए शेयर्स, लेकिन इन शेयर्स के ऊपर क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तारीख बताएं, 31 अगस्त 2013। क्या करें? वेयर देयर इज अ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूं, आप रब्बिल आलमीन बोल रहे हैं जी। वेयर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। हाथ को इस मोड पे रखें, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी अंटिल द रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज्ड। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स, उसको अभी तक शेयर ट्रांसफर करने की जाती है कितने साल तक? दो साल तक। और जब 2 साल पूरे होंगे तो अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में। अब 2 साल का पूरे होने हैं, 31 अगस्त 2014 को पूरे होने हैं या 31 अगस्त 2015 को? होंट हिला दिए आए हुए तो कुछ नहीं होता,
31 अगस्त 14 को दो साल पूरे होने हैं या 31 अगस्त 15 को? 31 अगस्त 15 को दो साल पूरे होने हैं। तो 31 अगस्त 15 कौन सा साल बनेगा? 31 अगस्त 15 कौन सा साल बनेगा? टैक्स ईयर 2016। टैक्स ईयर 2016 में क्या इवेंट होगा? रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी। तो आपके समझने के लिए टैक्स ईयर 2015 में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 16 में रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी। जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई तो आपने अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में शेयर लिया या बेच दिए? बेच सकते हैं। यू हैव द फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, यू हैव नॉट सोल्ड द शेयर्स। अब किसने इनकम फ्रॉम सैलरी में डालना था जब शेयर मिले? क्यों नहीं डाला था? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई। अब क्यों डाल दें? रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, भैया टीचर जो मर्जी कर ले, आपने पढ़ना खुद ही है और आपने तैयारी भी साथ साथ खुद ही करनी है, तो इसलिए खुद एफर्ट लगाने पे ज्यादा जोर रखें। रिस्ट्रिक्शन रिलीज बता दें जी। सवाल के अंदर आपको फेयर वैल्यूज गिवन है, इस दिन की भी फेयर वैल्यू गिवन है आपको, ये डालो वापस बैग में। चलो हाँ ठीक है। इस दिन की भी फेयर वैल्यू आपको गिवन है 180, इस दिन की फेयर वैल्यू गिवन है 200 और इस दिन की फेयर वैल्यू गिवन है 230। काटा 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 मारे ना, इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। हमने किस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है? जिस साल मिले रिस्ट्रिक्शन के साथ या उस साल के एंड की या जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। तो बता दें फेयर वैल्यू मैं किस दिन की लूं? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। इस दिन क्या मसला था? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। लगी हुई थी या रिलीज हो रही थी? ये तो ईयर एंड की डेटा, इसको तो वैसे कुछ नहीं करना। इस दिन क्या हुआ हमारे लिए? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है ना, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। आप बता दें 31 अगस्त 15 को ये शेयर बाजार में कितने के हैं? मैं आप इस 230 की फेयर वैल्यू को पकड़े माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, कितने शेयर? 120 के। बोलें 690 आंड 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 6, 9, 0। चलें जी आप तसल्ली से नोट कर लें। पानी यार इसको भी दे दें, इसी बस बॉटल है तो अगर शेयरिंग कर सकते हैं तो शेयरिंग इज केयरिंग। डिविडेंड की पहली एक्सेप्शन किसी को याद हो हाथ खड़ा करके बता दें जी। बताएं कैंटीन पे जाने आप, दूसरी एक्सेप्शन किस बात की? जल्दी करें, नोटबुक लेनी है अभी। प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन हाथ खड़ा करें, बात प्रिंसिपल ऑफिसर हाथ खड़ा करें। प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन, टैक्स की डेफिनेशन किसी को आती हो हाथ खड़ा करें। टैक्स की डेफिनेशन, एक पर्ची सिर्फ बांटी गई अभी तक। तो ऐसा करो कि पर्ची बांटी जाए ना। सवारों की तरह करें, एक दो वैसे ट्राई, लड़ाई तो नहीं होगी। वो सीधे खड़े नहीं लगा था, लड़ाई बढ़ जानी थी। अच्छा जी तो बोले रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। इस हाथ को मोड़ पे रखा करें, मैंने कहा नथिंग विल बी एडेड इन अंटिल द रिस्ट्रिक्शन इज, एंड व्हेन द रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज्ड
द सैलरी शैल इंक्लूड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द टाइम, वो मैं कर रहा हूं ऐसे करें, एट द टाइम रिस्ट्रिक्शन इज माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर शेयर्स एंड अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर राइट. तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कल का दिन तूने पढ़ा या नहीं. भैया एक दो दिन पहले आपके घर संडे आया था, उसको कीमती बनाया था, फूल बना के तो नहीं भेज दिया था. पेज 97 जैसे तो फजर के बाद सोए ना करें, चले आप सो भी जाते हैं तो संडे को इंशाल्लाह 7 बजे तक उठ जाया करेंगे. जरा हाथ खड़ा करें तो सेशन के लिए नियत कर लें. ठीक है, वेयर शेयर आर इशू टू एन एम्प्लॉई अंडर एन, कई दफा पेज नंबर पूछना नहीं पड़ता साथ वाले को, यहां से भी नजर आ रहा होता है. वेयर शेयर आर इशू टू एन एम्प्लॉई अंडर एन एम्प्लॉई शेयर स्कीम एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, नथिंग 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 विल बी एडेड इन इनकम अंटिल द रिस्ट्रिक्शन, अंटिल ही हैज अ फ्री राइट टू, जब तक आपके पास फ्री राइट ना आ जाए. ऑन गेटिंग द फ्री राइट, बोले साथ वाले को, जब फ्री राइट मिल जाएगा द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम, प्यार से बोले एट द टाइम एम्प्लॉई हैज अ, जिस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है जिस दिन उसको क्या मिल जाए, फ्री होने का राइट मिल जाए, नहीं जिस दिन उसे फ्री राइट मिल जाए शेयर्स बेचने का, बेच दिए या बेचने का हक मिला, बेचने का हक मिला, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई फॉर शेयर्स एंड फॉर द राइट्स, ये वही अमाउंट माइनस करनी है जो मशहूर जमाना है. अब तो बस ये रह गया अगले सफे पे जो 2-3 लाइनें हैं, फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, फिर एम्प्लॉई शेयर स्कीम खत्म. चैप्टर 18 पे आए, अच्छा रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद अभी शेयर्स मेरी जेब में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि बेचे नहीं है, नहीं आपकी मर्जी का मतलब, अभी बेचे नहीं है ना, और अगर बेच देता फिर इनको आप, वो तो कैपिटल गेन है, अगर बेच देता तो इनको कैपिटल गेन है. तब हम एक ऐसा सवाल भी कर लेते हैं जिसमें शेयर मिलने पर रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, फिर रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद फिर हम शेयर्स को बेच भी देंगे, तो इन्हीं ऐसी शेयर्स को बेचने का सवाल भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 389, नहीं 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 जमीर अंसारी, क्वेश्चन 10, जो मैं खाली कर देता हूं मैं ताकि फिर सवाल को फ्रेश माइंड से पढ़ें. ये यहां तेरा राइट, ये रहे तेरे शेयर्स, जिस चीज को उठाना हुआ आप मौके पे उठा लेंगे और जेब में डाल लेंगे. जी मिस्टर जमीर हैड रिसीव 15,000 शेयर्स ऑफ WPL, मिस्टर जमीर को शेयर्स मिले हैं 15,000 WPL के, देयर वॉज नो प्री रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट शेयर्स बारोबार शेयर्स मिले हैं. मिस्टर जमीर रिसीव 15,000 शेयर्स ऑन यकम दिसंबर 2006, कौन सा साल है, टैक्स ईयर 2007, क्योंकि यकम जुलाई 2006 से टैक्स ईयर 7 शुरू हो चुका है. डायरेक्ट शेयर मिले हैं या प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो इवेंट का नाम बताएं, रिसीव शेयर, ये इवेंट का नाम है, शेयर मिले हैं डायरेक्ट, देर इज नो प्री रजिस्ट्रेशन. अब बस मैंने हाथ में क्यों पकड़े हुए हैं, रिसीव तो हुए हैं, हाथ में क्यों पकड़े हुए हैं, इसलिए कि मैं सवाल पढ़ के देखता हूँ कि अंदर वाले जेब में डालना है या बाहर वाले जेब में डालना है, तो सवाल बताएगा चुपे, मैंने समोसे की पर्ची देनी थी आप लोगों को, बताया ही नहीं आप लोगों ने, इससे पहले बताना था, मैं किसने बताया था, आपने बताया था, पढ़ लो. अच्छा जी वो आधी आधी कर रही है, आलू तो नहीं समझा मैं. अच्छा मिस्टर जमीन है रिसीव 15,000 शेयर्स, ये आज के लिए एक्सरसाइज बोला बस, 15,000 शेयर्स और WPL ऑन यकम दिसंबर 2006 अंडर एन एम्प्लॉई शेयर स्कीम, मैंने इसलिए हाथ में पकड़े हैं कि अभी मुझे पता नहीं कि रिस्ट्रिक्शन वाले हैं या रिस्ट्रिक्शन के बगैर वाले हैं. ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर, आई अंदर वाली जेब में, व्हाई इतना अरसा शेयर्स कहां पड़े रहेंगे, अंदर वाली जेब में इतना अरसा कहां पड़े रहेंगे, और इस दिन से ऑनवर्ड्स अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, अंदर वाली जेब. अच्छा इसके बाद आखिरी इवेंट, एक हुआ रिसीव शेयर्स वाला इवेंट, दूसरा हुआ ये रिसीव शेयर्स कब हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन कब रिलीज हुई है, नो को, अब यकम जानी नो को क्या होगा, यकम दिसंबर 6 को तो मैंने अंदर डाले थे ये, यहां पे यकम जानी नो को बाहर जेब में डालूंगा. However, he sold all the shares on यकम अप्रैल 2010. यकम अप्रैल 2010 को इसने सारे shares बेच दिए. So that was the last event. Please give me back my shares. How dare you to hold the shares? यकम दिसंबर 6, अंदर वाली जेब. यकम जनवरी 9, यकम अप्रैल
बेच दिया। चलें जी, ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? जिस दिन अंदर वाली जेब में डाले थे। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? जिस दिन बाहर वाली जेब में डाले थे। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? जिस दिन मैंने शेयर्स बेच दिए, जो ये शेयर्स के बेचने के दिन की फेयर वैल्यू है। डन, चलें। अच्छा, सवाल में ढूंढे कॉस्ट ऑफ राइट कितनी है, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट हमने शेयर लिए हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ शेयर बताएं, शेयर कितने के खरीदे हैं, एम्प्लॉयर को कितने पैसे दिए, अमाउंट पेड एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ढूंढे। हजरात कह रहे हैं जी के 35 इज द कॉस्ट ऑफ शेयर। भाईजान, अगर 35 इसकी कॉस्ट ऑफ शेयर है ना, तो इसको डीओजी ने इसको डीओजी ने काटा है। डीओजी ने नहीं काटा इसको, डीओजी ने काटा इसको कि 1 दिसंबर 2006 को वो शेयर जो बाजार से मिल रहे हैं 35 के एम्प्लॉयर से जाके आसान ले और 35 रुपए का खरीदे। 35 रुपए इज नॉट कॉस्ट ऑफ शेयर। किसने के 35 रुपए कॉस्ट ऑफ शेयर? 35 रुपए तो उस दिन बाजार में उनकी कीमत थी जिसे मुझे मिले। भाईजान, उसने परचेज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ लफ्ज रिसीव। तो रिसीव से मुराद हम लेंगे फ्री ऑफ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर मुफ्त में भी दे सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, किसी दिन आए मैं बताऊंगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर मुफ्त में भी दे सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। चलें, जल्दी करें। आप बता दें जी, तुम मुझको बता दे ले। अब मेरी नहीं है तो मैं क्या करूं? क्या फ्री में कौन देता है? मेरे ख्याल से तो शायद कॉलेज वाले सरासिफ, अगर थोड़ा सा कहेंगे मैं अपना कॉलेज ना लगाऊं, तो कॉलेज वाले सरासिफ को देखो कैसे मुफ्त में शेयर देते हैं। किधर फिर रहे यार तुम? अच्छा चलें जी, आप बताएं, आप 1 दिसंबर 2006 को क्या हुआ? शेयर्स मिले। लेकिन 1 दिसंबर 2006 को आप क्या मिसरा बोलेंगे? क्या मिसरा बोलेंगे? वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, किसने बोला? मैडम, वो शेयर ही क्या, किसने बोला था? यार, इट्स टू इजी टू गेट अ समोसा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता कभी। बताएं जी तारीख। टैक्स ईयर बोलें 2007। तारीख बताएं, 1 दिसंबर 6। हादसे का नाम बताएं, इवेंट का नाम। शेयर्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट या शेयर्स परचेज्ड? वैसे एक बात याद रखिएगा, शेयर्स मिलने पे ना सैलरी कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन आप शेयर्स के ऊपर क्या लगी हुई है, और जो शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, नथिंग विल बी एडेड इन अंटिल द रिस्ट्रिक्शन इज, एंड व्हेन द रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज्ड द सैलरी शैल इंक्लूड, सो नथिंग विल बी एडेड। अभी कुछ ऐड नहीं होगा। कब तक? जब तक रिस्ट्रिक्शन किसने रिलीज हुई? 1 जनवरी 2009 को। तो 1 जनवरी 2009 को क्या करें? इसे समोसा वापस लो। 1 जनवरी 2009 को क्या करें बोले? हाँ, अंदर वाली जेब से मांझे में। तो अब 1 जनवरी 2009 को बाहर निकाल लें शेयर्स को। अच्छा जी, नहीं नहीं, तुम्हें मिलना होना, कुछ साल बताएं। साल टैक्स ईयर 2009। 10 वालों भाईजान केड़े पिंडू आयो। गाय को कहीं गाय और अजीब। 1 जनवरी 2009 क्या हुआ? जब स्टेशन रिलीज है, घर में बोल रहे होंगे तो अंदर क्या आवाज आ रही होगी? अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में। अंदर आपका ये बोल रहा होगा, The salary shall include fair market value of the shares on the date restriction is released minus cost of shares minus cost of right. ये क्रॉस वाले साल पेपर में शो नहीं करने, ये सिर्फ आपके लिए शो कर रहा हूं मैं। आप आ जाइए, मैं ना आपके लिए शो कर रहा हूं सिर्फ। फेयर मार्केट वैल्यू बताएं जी शेयर्स की, क्वांटिटी बताएं। क्वांटिटी आप तो मिल गए ना, आप तो मेरी ऊपर लीजिए, मैं आप तो मुझे खुशी होगी। क्वांटिटी शेयर्स की 15,000 और 1 जनवरी 2009 की फेयर वैल्यू। इस दिन की तो फेयर वैल्यू इग्नोर की थी पिछले सवाल में भी, तो 42 को लेंगे। 15,000 × 42 6,30,000 अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आंडा आंडा जी बताएं। 6,30,000
दैट इज माय इनकम फ्रॉम सैलरी। कर ले नोट यहां तक। फिर इस शेयर्स को इंशाल्लाह जेब से निकाल के किसी को बेच देते हैं। कर लो रुपीज 1000 में कर लो। नहीं कृष्ण अभी सारा तो नहीं करवाना, मैंने तो बस एडजस्टमेंट करवानी है। तो इधर उधर की ना बात कर। चलें जी आगे बताएं। यकम जनवरी दिसंबर 6 को शेयर अंदर वाली जेब में थे, यकम जनवरी 9 को बाहर वाली जेब में, आगे रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी। और यकम अप्रैल 10 को क्या हुआ? यकम अप्रैल 10 को हमने शेयर ही बेच दिए। यकम अप्रैल 10 को शेयर ही बेच दिए। ये कौन सा साल है? शुक्र है ऐसा सही हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बोलने ही छोड़ दिया, हम नहीं बोलेंगे, साल ही गलत बोला जाता है। यकम अप्रैल 2010, इवेंट का नाम सॉल्ट शेयर्स, शेयर बेचते। शेयर का बेचना कहां जाएगा? कल क्या पढ़ा था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नॉर्मल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक? क्यों? शेयर किसके हैं? WPL के। ऊपर आए WPL। क्या इसके गवर्नमेंट ने शेयर ओन किए हैं 50 या उससे ऊपर? क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर ओन किया है 50 या उससे ऊपर? ये मैं पब्लिक कंपनी डेफिनेशन रिवाइज करा रहा हूं। क्या ये स्टॉक चेंज में लिस्टेड है? ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। तो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ, सो इट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो कैपिटल गेन में नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा या सेपरेट रेट लगेंगे? नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा। ओके गाय, नॉर्मल टैक्स लगेगा। बताएं जी कैसे कल निकाला था? मैंने शेयर ही बेच दिया ना, कंसिडरेशन लेस। और मैंने कहा था कॉस्ट इज सम ऑफ ए बी सी, वेयर इज द सेक्शन 14 का 4। वैसे तो ये सेक्शन का नंबर याद नहीं रखना था, लेकिन मैंने पर्चियां खत्म करनी है। सेक्शन 14 का 4। एक तो मैं भी रखूंगा। कॉस्ट ऑफ शेयर और कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी। रोज नहीं देनी इस तरह की पर्चियां, लोगों ने नाने लग जानी है फिर। अच्छा अब हम मुझे बता दें ये क्या कैलकुलेशन का तरीका था। हमने कहा था तीन चीजों को जमा किया करना है। मुझे बताएं मैंने किस दिन शेयर बाजार में बेचे, कितने शेयर बेचे? 15,000। कितने के बेचे? वेरी बात है, 48 के बेचे होंगे बाजार में। ये कम अप्रैल को 7,20,000। अब आप कॉस्ट ऑफ शेयर पकड़े, कॉस्ट ऑफ राइट पकड़े, इनकम फ्रॉम सैलरी पकड़े। कॉस्ट ऑफ शेयर 0, कॉस्ट ऑफ राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, पहले इनका सब टोटल, और पुत्र पहले ना था सब टोटल और पुत्र 90,000 पची रहे। नोट करें भाई, प्लीज चुप कर दे, कल भी मैंने आपको समझाया। और पुत्र बाल भी उड़े हुए, तेरे होश भी उड़े हुए। प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा कर। प्रिंसिपल ऑफिसर की टैक्स की डेफिनेशन कौन सुनाएगा? बस हम शुरू कर चुके हैं। टैक्स की डेफिनेशन भैया, टैक्स में था टैक्स है, फीस है और डिफॉल्ट सर चार्ज है, एनी सम पेएबल अंडर दिस एक्ट। चैप्टर 5 को जो झंडी कराया हुआ आपने, वो डेफिनेशन आपसे पूछ रहा था। हद होती है यार, हद होती है। घर ही ले जाऊंगा मैं पर्चियां। ओवर। दो पर्चियां हम रखेंगे छत पे छुपा के कहीं। डन। 11:15 बजे वाले उन क्लास वालों ने पहुंचा, पर 11:15 उन्होंने कहा 11:15 तक सारे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा 11:15 फिर मैं भी आ जाऊंगा, इकट्ठे खाएंगे समोसा।
तो उस टाइम 11:10 पे इंशाल्लाह जाए उस टाइम ना भाईजन छुपा के छत पे दो कहीं रख देंगे हम। चलें जी आखिरी सवाल करें, पेज 102 पे आ जाएं। छत पे पर्ची ढूंढते ढूंढते छत की बाउंड्री का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे बच्चे सारे, इधर पेंटे पाओ। अच्छा जी अगला सवाल है, अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मिस्टर कासिम एन एम्प्लॉय परचेज द राइट्स। मिस्टर कासिम ने क्या परचेज किए हैं? राइट्स। तो क्या बाय कर लिए इसमें, सफेद सफा ऑरेंज सफा? 4 रुपीज ऑन 12 मार्च 13 को इसने राइट परचेज कर लिया। द वैल्यू ऑफ द राइट ऑन दैट डेट वॉज 10,000। एक्सलेंट। इन्होंने सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 याद किया हुआ है। इन्होंने फौरन बोला द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट टैक्सेबल। बोलना चाहिए था इनको द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन नॉट टैक्सेबल भी ठीक है। आलू वापस करो। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि राइट खरीदा कितने का, जल्दी बताएं राइट खरीदा कितने का? 8,000 का। ये राइट जो है, मैं ही आपको बात कर रहा हूं समझाने के लिए, ये राइट पड़ा पड़ा महंगा हो गया और कितने का हो गया? इस 10,000 को तब तक इग्नोर करें जब तक कि आप राइट बेचना। तो राइट नहीं बेचा हमने, बाय बाइंग द, बस चुप कर जाओ, बाय बाइंग द राइट, राइट खरीद कर ही गॉट टू टू दो मुझे आगे अच्छा नहीं होगा आपके साथ, बाय बाइंग द राइट, राइट बाय करके ही गॉट द राइट टू बाय 20,000 शेयर। अब ये 20,000 शेयर खरीद सकते हैं। ऑन 25 सितंबर 2013 ही सोल्ड आधे राइट फॉर 7,000। इसने आधे राइट कितने के बेच दिए? अब इवेंट्स के नाम बताएं। पहला इवेंट परचेज राइट, कमाल कर दिया, छा गया। दूसरा इवेंट वैल्यू ऑफ राइट, तो छोड़े ना इसको, तो फर्क कर दें वैल्यू ऑफ राइट को, फर्क कर दें और लिख लें आप साथ वैल्यू ऑफ राइट को अंडरलाइन करके, एस पर 14 का 1, चुप रहो ना, एस पर 14 का 1 इट इज नॉट चार्जेबल। 14 के 1 के मुताबिक ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। बाय बाइंग द कागज का टुकड़ा ही गॉट द राइट टू बाय 20,000 शेयर्स ऑन 25 सितंबर 2013। ऑन 25 सितंबर ही सोल्ड आधे राइट, अगले इवेंट का नाम बताएं जी, सोल्ड आधे राइट 4 रुपीज। सारे राइट कितने के खरीदे थे? सारों में से आधे कितने के बेच दिए? ऑन 22 जून 2014 ही एक्सरसाइज द रिमेनिंग राइट। 22 जून 2014 को उसने बाकी राइट जमा करवा के और क्या खरीद लिए? शेयर खरीद लिए। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। कितने अरसे तक? 1 साल तक शेयर्स के ट्रांसफर पे क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। चलें जी पहली डेट बताएं, 12 मार्च 2013 मैं बता देता हूं। पहली डेट क्या हुआ इस दिन? परचेज राइट। परचेज राइट का क्या करना है जरा मुझे बताएं? कुछ भी नहीं रखना, परचेज राइट का कुछ भी नहीं करना, देयर विल बी नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस अनलेस के राइट बेच। कौन सा साल है इसको मैं बना देता हूं आपको, तेरह चौदह पंद्रह 12 मार्च 2013 को क्या खरीदे? 25 सितंबर 2013 को आधे राइट, 22 जून 2014 को राइट एक्सरसाइज कर लिए। कितने साल की रिस्ट्रिक्शन है? इस दिन रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इस दिन बोले क्या किया? परचेज राइट। इस दिन सोल्ड राइट, आधे राइट बेच दिए। इस दिन राइट क्या किए या परचेज किए शेयर्स, लेकिन लाल से वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। और इस दिन रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? नॉट। चलें जी अब क्या करें जी, हम
2013 में, पुराना जमाना होता था ना, अम्मी बर्तन धोने लगती थी, सारे बच्चे लाइन हाजिर हो जाते थे। अभी कह भी देना तो पहली रो वाले भी नहीं उठते। टैक्स ईयर बोलें 2013, दिन बोलें दिन 12 मार्च 13, मेरे कीवे पे पानी ना फिरना, 12 मार्च 13, इवेंट का नाम परचेज, क्या करें नोट करें, मेरी जेब में क्या है, राइट मेरी जेब में प्री रजिस्ट्रेशन है। जो ज्यादा तैयार होकर आया है उसको पर्ची मिलेगी, या जो तैयारी करके आया है पढ़ाई करने वाले को पर्ची मिलेगी। आगे चलें, अगले साल क्या हुआ जी, आधे राइट आपने बेच दिए, तारीख बताएं, टैक्स ईयर बताएं, इवेंट का नाम सोल्ड हाफ राइट्स, ये हमने कल पढ़ा था सेक्शन 14(5) में, सेक्शन 14(5) में पढ़ा था, डेट बताएं 25 सितंबर 13, कल हमने पढ़ा था कि अगर आप राइट बेच दें तो राइट के बेचने में जो गेन आएगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मैंने क्या किया, मैंने जेब से राइट निकाले, राइट को निकाल के फाड़ा फाड़ा, और फाड़ के मैंने आधे राइट क्या कर दिए, बेच दिए, और आधे राइट अभी तक मेरी बोझे में जेब में पड़े हैं। अब आप मुझे बताएं मैंने आधे राइट कितने के बेचे, 7,000 के, वो 10,000 इग्नोर करें, और कितने के सारे खरीदे थे, तो अगर 7,000 के बेचे हैं तो आधे कितने के खरीदे थे, तो व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, 3,000। अब 2014 में और कुछ हुआ, क्या हुआ, तो इस इवेंट को मैं 1 नंबर दे देता हूं, एक और इवेंट हुआ इस साल, राइट क्या हुए हैं लेकिन उसने शेयर्स के बेचने पे क्या लगी हुई है, तो अब इस दिन क्या हुआ है बताएं जल्दी, इसमें क्या हुआ है, मैंने राइट जेब से निकाले हैं, इधर देख लें, और राइट कंपनी को जमा कराए हैं, और जेब में क्या डालनी है, ना ना अंदर वाली जेब में। चलें जी, दिन का दिन बताएं, दिन इवेंट का नाम बताएं, राइट एक्सरसाइज्ड या परचेस्ड शेयर्स, लेकिन शेयर्स में अंदर मसला क्या बोले, विद रिस्ट्रिक्शन, खतरनाक, खतरे का अलार्म लाल है, क्या करूं, अंदर ही जेब में शेयर है, क्या करूं, इसको अंदर ही रखें, बात को छोड़े पड़े, दबा दें इस बात को भी, लोगों की नजर लग जाएगी ना, अगला साल मैं बता देता हूं, टैक्स ईयर 2015, बस इतना सा उससे बताने पे कोई तोहफा मिल जाता, टैक्स ईयर 2015, डेट इज अगला साल, अगले साल क्या होनी है, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी है। अच्छा एक काम करें, आपको ना थोड़ा सा डर लगेगा, साथ वाले का हाथ पकड़ लें, आप समझे आप एक झूले पे बैठे हैं जो एकदम ऊपर से नीचे जा रहा है और आपकी चीखें निकल रही हैं, चीख निकालें जरा। अच्छा ये साथ वाले का हाथ पकड़ के रखें, फिर मैं ये पर्दा डालने लगाऊं, हाथ उसका पकड़ के रखें, हाथ उसका पकड़ के रखें, मैं However, he sold. रिसेशन रिलीज होने से पहले ही बेच दिए, पहले लोग क्या करते थे, अच्छा पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में लाते थे, जमीर अंसारी जैसे लाया था, और उसके बाद शेयर क्या कर देते थे, बेच देते थे।
इस बंदे ने क्या किया, 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 अंदर वाली जेब से निकाल कर इसने कर्तव्य दिखाया, अंदर वाली जेब से निकाल कर इसने शेयर्स बेच दिए, अंदर वाली जेब से निकाल के 12 बार इसने शेयर बेच दिए। मुझे ये बताएं क्या रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का इसने वेट किया या इसने बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन शेयर बेच दिए? शेयर्स सोल्ड बिफोर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले इसने शेयर बेच दिए। अच्छा बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं सर ये क्या बात हुई, यानी कि रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर बेच दिए, वो तो बेच ही नहीं सकता था सर, ये कैसे बेच दिए इसने? जैसे तुम लोग बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी करते हो, और जो करना है मना है वो भी करते हो, उसको कहीं ख्याल आता। तो भाई बहुत सी चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जो आप कर गुजरते हैं जो करना मन है। तो इसी तरह इस बंदे ने क्या किया, शेयर बेचना मन है, मैं बेच के देखता हूं होगी क्या। एम्प्लॉयर ने इसको बुलाया, पुत्र बाहर आ, नहीं नहीं सर नहीं, कसम खलो, थोड़ी देर कसम सड़क पे लेटा हुआ था सर, आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा, चलो ठीक है एक चपेट इधर मारो एक चपेट इधर मारो, आइंदा ना करना, ठीक है सर ओके ओके ब्रो, बट ठीक है एम्प्लॉयर डांटे ढूंढेगा, डांट खा लेंगे हम, वैसी हरकत जिंदगी में बंदा कभी कर ही देता है जिसमें बाद में शर्मिंदा हो, तो इसको ले जाएं कंपनी जिम्मेदार नहीं थी। वैसा भी हो सकता है जिंदगी किसी मोड पे, आज आपने जिंदगी ने आपको ऐसे मोड पे लाके खड़ा कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी थी इस दिन, इसके बाद आप शेयर बेच सकते थे, लेकिन कासिम ने कहा बेच के देखूं, तो शुक्र है उसकी वजह से हमें फायदा हो गया, हम एक मेडिकल कर लेते हैं। तो कासिम का बोल्ड स्टेप था, बुरा बच्चा, किस दिन क्या हुआ, सोल्ड शेयर आम हालात वाले या बिफोर रिस्ट्रिक्शन रिलीज? बिफोर रिस्ट्रिक्शन रिलीज। बड़ा बच्चा बुरा बच्चा, बुरा बच्चा किस दिन बेचे? 10 जनवरी 2015। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि ये शेयर्स का बेचना इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, लॉ में लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं ये शेयर्स का बेचना कहां जाएगा, क्योंकि अभी तक इनकम फ्रॉम सैलरी में आप कुछ लेके ही नहीं गए, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाना था इस दिन जिस दिन आपने शेयर खरीदे थे, तो शेयर का मिलना जाना था इनकम फ्रॉम सैलरी में, अब वो वाली चीज आपने सैलरी में शेयर डाली नहीं, तो लॉ मेकर कहते हैं अगर कोई बंदा जिंदगी में बुरा काम करे यानी रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर बेच दे, तो शेयर का बेचना मैं कहां डलवा दूंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अभी आपको मैं पढ़ा भी देता हूं, और गेन निकालने का वही तरीका, सैलरी का गेन किस तरह निकलता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ शेयर एंड कॉस्ट ऑफ राइट। जी कितने शेयर हैं जो इसने बेचे हैं? 20,000, 10,000, 20,000, 10,000। जब उसने सारे राइट लिए थे तो सारे राइट लेने के ऊपर सारे शेयर लेने का हक था, लेकिन उसने तो आधे राइट, तो जब आधे राइट बेच दिए तो फिर आधे शेयर्स भी इसने नहीं खरीदे, जब आधे शेयर्स नहीं खरीदे तो इसके पास शेयर हैं कितने? सिर्फ 10,000। तो पहले तो मुझे बताएं इसने 10,000 शेयर खरीदे कितने के? जल्दी बता दें यार क्या कर रहे हैं, ऑन 22/14 ही एक्सरसाइज द राइट बाय पेइंग रुपीज, जिस वक्त राइट जमा करा के शेयर खरीद रहा था उस वक्त कितने रुपए दिए इसने? ये क्या हो गई कॉस्ट ऑफ शेयर। अब फेयर मार्केट वैल्यूज देख लेते हैं उसने कौन कौन सी दी हुई है। फेयर मार्केट वैल्यू एक उसने दी हुई है 22/14 की 85, इस दिन की उसने दी हुई 89, इन दोनों को इग्नोर करेंगे, हालांकि इसको लेते हम अगर वो थोड़ा वेट करता हौसला करता, लेकिन अभी इसको भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, और इसी तो वैसे ही बीन बजाया, रिस्ट्रिक्शन किसी चीज की रिलीज होनी है, किस चीज की रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी है? बेटा शाम तक तुम जो है वो फ्रिज में से आइसक्रीम ना खिलाना, दोपहर को आइसक्रीम खाई थी, अब शाम को हम जाके चलो आप खा सकते हो, आप अंदर ही ना चुपे। तो अब इस दिन का क्या फायदा, जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी तो क्या फायदा? आप बता दें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स किस दिन की मालूम? 10 जनवरी 2015 की, जिस दिन मैंने शेयर्स को बेचा, और वो ऊपर गिवन है However, he sold the shares for rupees 90 per share. कितने शेयर, कितने के बेचे? ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, अगर रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर बेचे तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। कॉस्ट ऑफ राइट, सारे राइट कितने के लिए थे? सारे राइट 8,000 के, सारे राइट 8,000 के लिए थे, तो आधे राइट 4,000 के, आधे राइट बेच दिए, और जो आधे राइट रह गए वो एक्सरसाइज करके क्या खरीद लिए होंगे? शेयर 66,000 बोल दो किस्तों में आ रही है चीजें, 22,000 ऐसे उसने बोला मेरे क्लास आगे चलें जी।
अगली बताइए, अगली 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 एडजस्टमेंट। इस दिन क्या हुआ 2015 में? अगला काम क्या हुआ? नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी व्हेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन अंटिल द रिस्ट्रिक्शन, व्हेन द रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज द सैलरी शैल। नहीं, अब किस चीज की रिस्ट्रिक्शन? अब मैं कह भी दें शाम को जाके तुम जो है वो आइसक्रीम खा लो, नहीं तो दोपहर को ही फार कर दिए। अब किस चीज की रिस्ट्रिक्शन? अब वो शेयर ही नहीं रहे तो रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर रिलीज होनी है? तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज किसने हुई थी? 22 जून। इसे हमने क्यों नहीं कुछ किया? वो शेयर ही नहीं, अब क्या करें? हाँ, पेपर में नहीं लिखेंगे, क्रॉस वाली चीजें पेपर में इग्नोर कर देना। जी इतना सा जेब में क्या था? राइट इस दिन आधे राइट आपने बेच दिए, अभी भी आपके जेब में क्या पड़े हुए हैं? आधे राइट। इस दिन आधे राइट आपने जमा करवाए, और जमा करवा के आपने क्या खरीद लिया? शेयर्स। अब ये जो सारा अरसा है ये शेयर्स आपके अंदर वाले जेब में पड़े रहेंगे, और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले ही आप शेयर को बाहर वाले जेब में डाले बगैर बेच देंगे। सो गाइस, दैट वाज एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मेरी तरफ से खत्म हुई। अब आगे कंपनी जिम्मेदार नहीं है, अब इसकी रिवीजन आपने खुद ही करनी है। तो फिलहाल कैमरा उधर करना है, कर दो, एक दो मिनट जरा नोट कर लेंगे। कैमरा क्लास के बाद बात करना, अभी इरेलेवेंट बातें नहीं, नोट करें जी। हॉस्टल में या घर में या लाइब्रेरी में आज 2 बजे से लेके 10 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2 बजे से और 2 से 10, 2 से 10, 1:30-2 बजे जो भी करने हैं काम कम करके फारग हो जाइएगा, ठीक है? 2 बजे से 10 बजे तक लेक्चर लिया करो, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा के वाईफाई ऑन कर लिया करो, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर कोई टाइमर लगा दो, मैंने तो टाइमर लगाया हुआ है, बंद हो जाता है। अच्छा चलें जी आगे, लगता है टाइमर नहीं लगता? ये देखो ये बंद नजर आ रहा है, काला हुआ लगता है मेरे तो ख्याल से। हाँ चलें जी आगे, तो भाई जिंदगी मोबाइल के गुलाम ना बने, मोबाइल को अपना गुलाम बनाए। फीचर है नॉर्मली, अपना फीचर है मोबाइल में। अब आप हजरात ये बता दें, पहले ये 5 लाइन पढ़ लें जरा, ये कहाँ लिखी हुई है? पेज नंबर 98, बुरा बच्चा। होमवर्क में आप जाके आपने वो 3 सवाल कल वाले करने हैं, वो जो खुद लिखवा के किए थे हमने, फिर 3 सवाल ये जो कासिम वाला क्वेश्चन 1, 2, 3 और एक जमीर वाला, तो ये सारे सवाल 5 से 7 आपने एक सिटिंग में करने हैं। तरतीब वही जो क्लास में फॉलो की थी, और एक सवाल और मैं दूंगा आपके लिए नया, और असल में फिर कल आपको होमवर्क मिलेगा मेन एम्प्लॉई शेयर स्कीम का, जिसमें आपके लिए सारे सवाल अनसीन होंगे। अगर एम्प्लॉई बेच दे शेयर बिफोर गेटिंग द, ये हम लोग नहीं कर सकते, ये कोई बुरा एम्प्लॉई कर सकते हैं। अगर एक बुरा एम्प्लॉई बेच दे शेयर बिफोर गेटिंग द फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर, उसको राइट मिला नहीं था फिर भी उसने शेयर बेच दिए, ओए द सैलरी शैल इंक्लूड, हालांकि शेयर डिस्पोज हो रहे हैं फिर भी किसमें जा रहे हैं? लेकिन ये तब होगा ना जब रिस्ट्रिक्शन लीजिए से पहले आप शेयर बेच दें, बाद में बेचें फिर तो कोई मसला नहीं। द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम एम्प्लॉई डिस्पोज ऑफ द शेयर्स माइनस कंसीडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉई फॉर द शेयर्स एंड फॉर द राइट। ये तो वही बात होगी। अब जी सारा रिवाइज कर लें, पेज नंबर 102, नहीं सॉरी 103, कोशिश करें जो स्क्रीन है उस पर देखें, लेकिन स्क्रीन पे देखने में मसला ये होगा कि फिगर्स आपको भी सही नजर नहीं आएंगे, ये पिक्चर है तो फटाफट नजर आएगा। बहरहाल एक एक करके चलें और सारे सिनेरियोस को कवर कर लें। अच्छा मैं बोल देता हूं, नजर नहीं आ रहा, तो आपने राइट खरीदा, कागज़ और रगड़ा जेब में, बताएं जी क्या करूं? ऐसे ऐसे करें,
कुछ भी नहीं करेंगे, चलें गुड, आपका पहला जवाब सही हुआ, राइट खरीदा कुछ भी नहीं करेंगे, ये राइट आपने बेच दिया, सोल्ड राइट, राइट आपने बेच दिया, क्या करें, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लें, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे, ए माइनस बी। ये कौन सा सेक्शन पढ़ा था कल, 14 का 5। ये पहला सिनेरियो है जो अभी वाले सवाल में रिवाइज किया हमने, एक और सवाल पेपर में आ सकता है, ये तो सबसे सिंपल, राइट खरीदा जी क्या करें, राइट खरीदा क्या करें, राइट जमा करा के शेयर खरीदे, कंपनी ने मुझे शेयर इशू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है शेयर्स के ऊपर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, क्या करें, क्या करें, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करें, क्या करें जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करें, फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ, ओके गाय, और इसके बाद मैंने शेयर्स बेच दिए, तो शेयर्स का बेचना अंदर अंदर जेब वाला कोई सिनेरियो नहीं है, बस बाहर से ही बेचे हैं, तो ये कौन सी इनकम, ये तो अभी हमने सवाल में कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कॉस्ट इज ए प्लस बी प्लस सी, सेक्शन 14 का 4, डन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, देयर इज वेरी सिंपल सिनेरियो, राइट खरीदा, शेयर खरीदा और शेयर बेच दिया, तो ये सबसे आसान सिनेरियो है, क्या 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 हुआ इसमें, राइट खरीदा, शेयर खरीदा, अब वो सिनेरियो जो हमने आज पढ़े हैं, वो जरा देखें, राइट खरीदा क्या करूं, राइट खरीद, राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदा जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, क्या करूं, नोथिंग, अगर कोई हाथ हिलाता तो शायद उसको भी तोहफा मिल जाता, पहले ही हिलाता, नोथिंग विल बी एडेड इन सैलरी अनटिल द रिस्ट्रिक्शन इज, एंड व्हेन द रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ, राइट जी बोले, इधर क्या खरीदा, राइट, राइट खरीदने के बाद फिर अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में तो कहां चला जाएगा, और फिर शेयर को क्या कर दिया, बाहर वाली जेब से निकाल के बेचना कहां जाएगा, कैपिटल गेन। ये वो सवाल है जो अभी हमने किया है जमीर अंसारी वाला, हाँ बस इसमें राइट नहीं खरीदा था, बाकी तो सब वही है। वाई द जमाई इज कमिंग टू यू, प्लीज पूरी कर योर नींद बिफोर कमिंग टू क्लास, वेल दैट्स वेरी नेसेसरी गाय। क्या खरीदा, क्या करें, बीन बजाएं, क्या जमा कराया, राइट, क्या खरीदा, शेयर पे क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, क्या करें, वो हाथ ला रहा है इधर, नॉथिंग विल बी एडेड इन सैलरी अनटिल द रिस्ट्रिक्शन इज, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी है इधर, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी है इधर, ये वो कासिम वाला सवाल, अब कहां डाल दें, इनकम फ्रॉम सैलरी में, बड़ा बच्चा है, नहीं सॉरी बुरा बच्चा है। 14 के 3 का सेकंड पॉइंट जो भी हमने पढ़ा, सेकंड पॉइंट नहीं सेकंड पैरा जो अगले सफे पे हमने पढ़ा, 14 के 3 का, ओके कहा है, असलम की बीवी किधर है, असलम की बीवी ढूंढने चैप्टर 18 में, असलम की बीवी इधर जल्दी से, ये मिल गई भाई, क्वेश्चन 17 पेज 390, इस सवाल का सिर्फ पॉइंट 3 करके आने, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिसेज असलम, पढ़ू आगे या ट्राई करेंगे खुद ही, बस एक छोटा सा सवाल आपकी होमवर्क में दिया है, असल में एक सेटिंग में आपने पहले 3 सवाल करने हैं, वो जो कल करवाए थे, फिर आज वाले 3 सवाल जो एक की सफे पे दिए, मैं पता नहीं पेज कौन सा है, कासिम वाला, और फिर उसके बाद जमीर अंसारी वाला सवाल, और इन द एंड असलम की बीवी, ठीक है जी, क्लास खत्म हुई, कल इंशाल्लाह टेस्ट, ये पर्चियां FAR 2 में बांटेंगे हम।